हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेस पर संसार पर के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 6C। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 में लिखा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या मात्र बताना है, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। देखिए कितना पद है, मात्र एक पद है, तो लिखेंगे एक पद। ठीक है, इसमें आपको देख रहे हैं दो पद, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में दो पद, दो पद, क्योंकि हमें मात्र पदों की संख्या बतानी है। और यहाँ पर आपको कितने पद दिख रहे हैं, एक दो तीन, तो लिखेंगे तीन पद। और चौथा वाला है, आपको मात्र दिख रहे हैं कितने, दो पद, एक दो, ये हो जाएगा दो पद। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक है व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री, दो दो चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यंजकों की डिग्री, यानी व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री। ठीक है, तो व्यंजक की डिग्री हम लोग किसे बोलते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी घात होगी, उस बड़ी सबसे बड़ी घात को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कितनी सबसे बड़ी घात है, दो है, तो इसकी व्यंजक की डिग्री हो जाएगी दो। ठीक है, और पद किसकी, एक्स स्क्वायर की डिग्री, एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है, दो है। पद 2y की डिग्री, 2y की डिग्री कितनी है, मात्र एक घात है, तो यहाँ पर हो जाएगी एक। और पद 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पर चर एक भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें दूसरे प्रश्न में लिखना है, दूसरे प्रश्न में लिखेंगे व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी घात, चार घात, ही हो जाएगा चार। अब लिखेंगे पद 3x की घात 4 की डिग्री कितनी है, चार। और पद 4x² y की डिग्री कितनी हो जाएगी, देखिए दो घात तो ये है, एक वाई है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तीन डिग्री होगी। ठीक है, और इसके बाद तीसरा प्रश्न लिखेंगे व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी घात चार दिख रही थी, हो जाएगी चार। ठीक है, उसके बाद अब लिखेंगे पद 5x⁴ की डिग्री हो जाएगी चार। 7x² की डिग्री कितनी, देखिए एक घात इसके हुए, दो घात इसके हुए, कितनी हो जाएगी, तीन। 2x की डिग्री, 2x की डिग्री हो जाएगी कितनी, एक। और 3 की डिग्री, 3 की डिग्री हो जाएगी कितनी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई भी घात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका लिखेंगे व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री कितनी है, दो। वाई स्क्वायर की डिग्री दो ही होगी। 5 की डिग्री, 5 की डिग्री हो जाएगी जीरो, क्योंकि 5 के साथ में कोई भी चर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि निम्नांकित में सत्य कथन बताना है।
ठीक है, यानी सत्य है तो सत्य बताना है, असत्य है तो असत्य बताना है। लिखा गया है कि 5x² yz द्विपद व्यंजक है, तो आप देखेंगे कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा एक पद है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका असत्य। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा का द्विपदी व्यंजक है, तो आप देखेंगे एक पद, ये आपका इतना एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, यानी ये त्रिपदी व्यंजक है, तो यानी कि ये भी आपका हो गया क्या, असत्य। ये भी हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा नंबर देखिए, ये रहा एक पद, ये रहा द्विपद, तो कहा है द्विपदी व्यंजक है, तो ये बात है आपकी सत्य। जिसमें से इसमें देखेंगे ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, जबकि क्वेश्चन में कहा गया द्विपदी व्यंजक है, तो ये भी है आपका असत्य। मात्र इसमें तीसरा प्रश्न आपका सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, और चौथे में कहा गया कि निम्नांकित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बताइए, तो इसमें देखिए दो पद, ये एक, ये दो, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विपदी। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विपदी। ठीक है, ये आपका द्विपदी है, ये आपका एक पदी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पदी। ठीक है, और ये आपका त्रिपदी है, एक दो तीन, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिपदी। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक मेनो कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेंगे। इसके बाद चौथे में एक दो, यानी ये एक है, ये दो है, तो ये आपका है द्विपदी। इसके बाद ये आपका एक दो तीन, यानी ये रहा आपका त्रिपदी व्यंजक, आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा और चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों के बाद आपके लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि x²y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, यानी कि हमें पदों की संख्या देखनी है और उसके बाद हमें ये बताना है कि व्यंजक कैसा है। तो एक पद, दो पद, त्रिपद, यानी ये त्रिपदी व्यंजक है, तो लिखेंगे त्रिपदी व्यंजक है। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर देखिए, नसरीन के पास 3x कितने 3x आम है, उसने 2i आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। देखिए नसरीन के पास कितने आम थे, 3x आम, अब 3x आम थे उसने 2y आम अपने बहन को दे दिए, मतलब कि जितने आम थे उसके पास उसमें से जितने दिए उसको हमें माइनस कर देना, यानी घटा देना है, तो ये इतने आम बच जाएंगे। अब कहा गया शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, शेष आम ये रहे, इसमें कितने पद हैं, तो लिखेंगे उत्तर में दो पद, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो लिखेंगे दो पद। ठीक है, उसके बाद तीसरा, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो उत्तर में लिखेंगे द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक ये कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।